नमस्कार, न्यूज़ नाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सबसे प्यारे जनपद वाराणसी में। काशी नगरी के नाम से विख्यात है और यहां पर हमेशा यहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमेशा इस घाट पे आते हैं और इस घाट का नाम है नमो नमः। बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मुझे इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं कहीं मिलते हैं और सौभाग्य से मिलते हैं। इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे, एक बार आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति इस हालात में कितनी कठिन परिश्रम से गुजरते हैं और खुद मेहनत करके कमाते खाते हैं। ऐसी हालत है, कुदरत का पता ना कौन सा सितम था और कौन सी इनसे इनकी गलती हुई थी कि दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इनके जज्बे को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं और बहुत कुछ इनसे सीखा हूं। स्टूडियो की दुनिया अलग होती है, लेकिन जब बाहर निकलो तो एक से एक लोग मिलते हैं, उसी में से हजारों में से ये एक व्यक्ति हैं। नाम जितेंद्र है और छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में। कहानी बड़ी दिलचस्प है, हर पहलू पे बात करेंगे और जानेंगे इन्हीं के मुंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके चैनल को भी आपने अपने चैनल पे रखा, जितेंद्र का सौभाग्य है। बड़ा अच्छा लगा कि आप काशी अविनाशी के धरती पर आए हैं और काशी पे आने के लिए लोग तरसते हैं और हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग काशी में ही रहते हैं, लेकिन इस काशी की अगर जितनी हम परिकल्पना करें बड़ा तुच्छ पड़ जाएगा। जी, आदेश करें। पहले तो आपके हौसले को बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत हौसला आप लोग ने दिया है। और जितेंद्र, सच्चाई था कि जमाना एक हुआ करता था कि मैं किसी के सामने नहीं आता, तो आज तो कैमरे के सामने हमेशा रहता हूँ और लोग देखा करते हैं, जिधर जाओ उधर लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन एक जमाना भी हुआ था कि मैं कैमरे के सामने ऐसे नहीं आना चाहता था, कैमरा तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जी, तो फिलहाल अभी जो प्रेजेंट की लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर आगे बात करेंगे आपसे। प्रेजेंट की लाइफ आप सभी लोग जानते हैं कि मैं छोटा सा चैनल है, जोश एक्सप्रेस के नाम से चलता है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अरे नहीं, आपका आपका फेस और आपके जो कार्य करने की शैली है वो सब में नहीं है, खास करके इस पोजीशन में नहीं। देखिए, रहा सवाल यहाँ से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और जिस इंसान को यहाँ से भगवान ने अच्छा रखा है ना, वो सक्सेस है, ऐसा नहीं है। और हाथ पैर से कुछ होने वाला नहीं है। पहले के लोग लाठियों से वार करते थे, लेकिन आज के लोग ना दिमाग से वार करते हैं, साइलेंट किलर। जी, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो माइंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं या फिर जैसे भी कुछ चला रहे हैं, वहाँ सिर्फ माइंड का प्रयोग, ना कि लाठी का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि बल का प्रयोग कर रहे हैं। पहले लोग बल से बहुत अच्छा कुछ कर लेते थे, लेकिन आज के लोग दिमाग से कर ले रहे हैं। बल का प्रयोग आप करेंगे तो सिर्फ 8 घंटे करेंगे तो 500 रुपये कमाएंगे, और 1 घंटे हम करके अगर 5000 कमाएं तो ये दिमाग का गेम है। जितेंद्र जी, जिस कंडीशन में आप एक पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं, तो सरकार की भी बहुत सी योजनाएँ हैं, उसके सहारे भी आप जी सकते थे। सरकार के मुंह पे तो तमाचा है, ऐसे ही समझ लीजिए। सरकार से हमको कहीं का है मतलब नफरत सी है, सीधी सी बात। कोई सरकार हो, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, किसी को, क्योंकि हमारे अगर देश में देखा जाए तो लगभग दिव्यांगों की संख्या करोड़ों से पार है समथिंग। लेकिन दिव्यांग सिर्फ नाम चेंज होता है, पहले विकलांग था, विकलांग से दिव्यांग हो गया। मैं तो अपने आप को दिव्यांग भी नहीं मानता, क्योंकि मैं दिव्यांग तो पैदा हुआ नहीं। दूसरी चीज, माँ बाप पे ये लगेगा कि ठेस है, तो मैं अपने माँ बाप पे ठेस नहीं करना चाहूंगा। माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है, जितेंद्र के साथ भी घटना दुर्घटना हुआ। घटना के उपरांत मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। क्या हुआ था उस वक्त? हुआ है, अब कहानी सभी लोग जानते हैं, कहानी से सभी लोग भीग गए हैं। उम्र हमारी मात्र 11 वर्ष थी, 11-12 वर्ष की उम्र में छह में पड़ रहा था, तभी 11000 बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए, करंट मार दिया मुझे। तो दोनों हाथ कटने साल भर मतलब एक सत्र अस्पताल में रहा, अस्पताल के में रहते रहते मतलब किसी तरह हाथ बचा नहीं, हाथ को कटवाना ही पड़ गया। हाथ कट गया और हाथ कटने के बाद जितेंद्र हार नहीं माना,
होता नहीं कि उंगली कट जाती है तो लोगों को लगता है अरे यार मेरी लाइफ क्या है, यहाँ तो दोनों हाथ ही कट गया। तो दोनों हाथ कटने का उपरांत आपको मैं बता दूं कि बहुत काफी एक समस्या का नहीं कभी लोगों की समस्या, कभी अपनी जिंदगी की समस्या, कहीं घर की समस्या, मतलब तरह तरह समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ा। यहाँ पे सभी लोग आपकी तरह नहीं है कि सभी लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आपके व्यूअर्स जितने देख रहे हैं सभी लोग देखिए आप अच्छा करेंगे तो आप बुरा करेंगे तो कमियां निकालने वाले पॉजिटिव लोग। अब ऐसा नहीं है कि हम हमारे साथ कोई सिंपैथी है, असिंपैथी लोग करते भी नहीं है। मुझे भी लोग गाली देते हैं, मुझे भी मारने की धमकी देते हैं, तो मैं काम नहीं छोड़ता, मेरा जो लक्ष्य है मैं जानता हूँ। आप धमकी दो आप मारो मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ किसी ने कहा कि बेटा तुम कुछ कर नहीं सकते हो, चल सकते हो, चल नहीं सकते हो, बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो, लिख सकते हो, जितेंद्र तीनों काम करता है, चलता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है, और धड़ल्ले से पूरे भारत में रहा और भारत के किसी भी राज्य में जाता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ। मेरे लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से हूँ, पंजाब में भी जाता हूँ, पंजाब में भी घर है, पटना जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुझे जहाँ मैं जाता हूँ मैं अपने घर में जाता हूँ, समझ लीजिए। और लोगों को लगता है कि मतलब ये चीज है तो किसी के बाप का ये भारत नहीं है, ना जितेंद्र के बाप का है, ना जो कहता है कि मेरा है, सबका भारत है। और ये तो सौभाग्य है, जितेंद्र का सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा है, ये समझ ले सोने की चिड़िया कहा जाती है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे पैदा हूँ और धरती पे लोगों को एक अलग मिसाल बन गया, आज लोग मिसाल के रूप में जानते हैं जितेंद्र को। कहाँ तक शिक्षा है आपकी? और शिक्षा मैंने बेचू से ग्रेजुएशन किया, जिस बेचू ने कहा कि बेटा एक हफ्ते बाद तुम मर जाओगे, उसी बेचू को मैंने टैप कर डाला। जिद, सभी लोग उम्मीद से जीते हैं, जितेंद्र जिद से जीता है। और जिद का ही देन है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर जिद ना होता तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। करोड़ों लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है, लेकिन करोड़ों पे अकेले मैं भारी हूँ, कहीं ना कहीं है। इंटरव्यू चल रहा है आंटी अभी तो अभी बात करता हूँ अब सर जी। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपकी स्पीड कंप्यूटर में राइटिंग की 25 से ऊपर है। देखिए कंप्यूटर और साइकिल बाइक किसी में देख लीजिए, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि कंप्यूटर भी चलवा लीजिए, बाइक भी चलवा दीजिए। आप कहेंगे कि यार उंगली नहीं है, कैसे करोगे, कैसे कैच करोगे, मतलब तरह तरह की बातें हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह सब लोगों की थिंकिंग है, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास है। और जो इस धरती पे अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा ना, तो मैं आपको बता दूं वो किसी पे नहीं विश्वास कर पाएगा। अब मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं अपने आत्मबल अपनी आत्मा की सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता। मेरी आत्मा कह दे कि बेटा ये कार्य करो तो मैं उसको करता हूँ, और जब तक मैं उसको हासिल नहीं कर लेता हूँ तब तक नींद मुझे नहीं आती है। नींद चैन सुकून सब मैं खो देता हूँ, ये होता है पागलपन। और सुन लीजिए, जितना इस भारत का इतिहास लिखा है तो कोई पागल लिखा है, कोई होशियार, होशियार तो पढ़ने में एकदम विलुप्त है, जो अपने आप को समझदार समझता है वो पढ़ता है, और पागल को इतिहास लिखता है, हमारे जैसे पागल लोग इतिहास लिखते हैं। और सभी लोग इतिहास लिखे हैं, जितेंद्र भूगोल लिखा है जाके देखिए, और लिखता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है, होता है, बहुत बढ़िया होता है। शादी के बारे में अगर बात की जाए, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें जो भी आपने बातें बताई थी कुछ पल के लिए हम भी अवाक थे। कब शादी हुई थी, और शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? शादी दोनों तरह से हुआ, लव मैरिज भी हुआ, पहले लव मैरिज हुआ। हाँ, अब लोग आप कहेंगे कि बताइए किसी को एक बीवी नहीं मिल रही है, इसको दो दो बीवी, तो देखिए समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने लव मैरिज, वाकई मैंने शादी किया, लव मैरिज शादी होने के उपरांत उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, उनको भी मैंने खो दिया सिर्फ पैसे की वजह से। पैसा नहीं था इसलिए, क्योंकि अगर पैसा होता तो मैं उसको नहीं खोता। वाकई उन्होंने जो कहा मेरे बीच तो नहीं है, कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं, समझ सकते हैं आपकी बात को। आपने उस इंटरव्यू में भी आप बातें करते करते आपने रो दिया था, ऐसा क्या मन में आया जितेंद्र जी कि मुझे पत्रकारिता ही करना चाहिए, बहुत ऑफिस में बैठ कर भी आप काम कर सकते हैं, जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने पत्रकारिता ही फील्ड क्यों चुना? क्योंकि पत्रकारिता फील्ड एक बहुत केड़ी खीर होती है, लोगों के सामने सच्चाई पेश करना और सच्चाई दिखाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है पत्रकारिता जगत में, तो इसे किस नज़र से आप देखते हैं और क्या कह सकते हैं इस बारे में? आपने सही कहा कि पत्रकारिता देखिए सच्चाई है, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट बोलता है, मेरा देश संविधान से चलता है और संविधान में वर्णित है कि बेटा आप फंडामेंटल राइट है और आप
आवाज उठा सकते हो, तो आवाज उठाने में क्या है, मैं आवाज उठाता हूँ और उनकी आवाज उठाता हूँ जो गरीब होते हैं, दबे कुचले होते हैं, उनको मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज नहीं है, सच है कि टेढ़ी खीर है, लेकिन इस टेढ़ी खीर में आप मजा तो उसी खेल में है जिसमें रिस्क हो, जिसमें रिस्क हो। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक जिंदगी जिएंगे कैसे? अगर आप मुझे जानते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लिया हूं, तो आप मुझे जानते हैं, आज दुनिया मुझे जानती है, कहीं ना कहीं रिस्क लेके चलता हूं। कब लोग मार देंगे, कब लोग क्या करेंगे, मुझे खुद नहीं पता होता है। अब मैं घर से निकलता हूं तो बता देता हूं कि मैं अब आऊंगा नहीं, शाम मेरा होगा कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता है। कब किससे पाला पड़ जाएगा, कब किससे पंगा हो जाएगा, बहुत अच्छा तो है नहीं, अच्छा किसी के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे तो जय जयकार है, थोड़ा सा निगेटिव कर दिया तो तुरंत सच्चाई अगर दिखाई जाए बस वही तो वही तुरंत वार हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ पत्रकारिता? बहुत हुआ, यहाँ तक कि बंदूक रखा गया है, कहीं दूर की बात नहीं, इसी बागी बलिया की मैं बात कर रहा हूँ, एक वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो बंदूक रख के मतलब क्या कि मार दिया जाएगा, तो जितेंद्र पिटपिटवा से नहीं डरता है, अरे मारने वाले भगवान ने जब मार दिया आप क्या मारोगे, आपके मारने से मैं डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान ने मुझे मार दिया? नहीं, जैसे लोग की थिंकिंग बनी है तो सच्चाई है, लोग कहते हैं ना भगवान ने जो करना था वो कर दिया, अब इंसान क्या करेगा, इंसान के बस के बहुत करेगा तो पिटपिटवा लाएगा, ठोक देगा, यही ना करेगा, अरे मरना आज भी है, मरना कल भी है, मरना कल न परसों है, तो कुछ करके मरो यार, बुद्धि की मौत थोड़ी मरना है, कुछ करके मरना है। जितेंद्र बुद्धि की मौत नहीं मरना चाहता है। पढ़ाई करने, पढ़ाई जो आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद आपको जॉब भी मिली थी जिसमें अच्छी खासी सैलरी थी, मेरे हिसाब से 20 से 22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी। बेशक बेशक। तो फिर इतनी बढ़िया ऑफिस में काम करना, एक मैनेजमेंट संभालना आपके गुरुद्वारे में, और देखिए गुरुद्वारे का मैं आज गुरुद्वारे का ही देन है कि मैं यहाँ पे हूँ, और गुरुद्वारा यूपी के लोग नहीं समझ पाए कि मैं यूपी का हूँ, चाहे आज लोग कहते हैं कि अरे वो तो हमारे यहाँ का है, अरे वो तो यूपी का, अरे वो तो गाजीपुर का, अरे वो तो मेरे बगल का है, ऐसा लोग कहते हैं, तो नहीं तो पहले भैया की नज़र से देखा जाता था। हाँ भैया, भैया ही समझ लीजिए, लेकिन लोग जहाँ मैं गिर जाता था उठाने से लोग कतराते थे, समझिए बात को, आज लोग मुझसे जुड़ने के लिए परेशान रहते हैं। तो ये समय है, और समय हमेशा एकता नहीं रहता है, और आप निश्चित एक लक्ष्य बांध लीजिए, एक निश्चित रूप से अगर कर लेंगे कि नहीं मुझे कुछ पाना है तो आप निश्चित पाएंगे। अब मैंने पाया, आपके सामने हूँ, बताना नहीं है रिजल्ट। कितने दिन गुरुद्वारे में आपने काम किया? गुरुद्वारे में 3-4 साल मैंने रहा। आपकी जन्मभूमि गाजीपुर है? गाजीपुर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जन्मभूमि। पंजाब में लगभग 5-7 वर्ष हो गया मुझे, और 5-7 वर्ष का मतलब पिछले लोग रहते थे, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि पंजाब में क्या है कैसे है, मैं तो नौकरी के लिए गया था और स्टेशन पर भटकता था, एक सप्ताह तो बिन खाए रह गया, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को 100 रुपये के लिए भटकता है वो एक दिन 20-25 हज़ार का नौकरी करने लगेगा, तो 20-25 हज़ार अगर जिसको मिलने लगेगा ना तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। यही मैं पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उतनी बड़ी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी छोड़ करके और आप पत्रकारिता में आ गए? ऐसा ही कहा, वो भी लोग कहते हैं कि आप क्यों चले गए, तो मैं आपको बता दूँ सर कि थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि सैलरी की जो बात है ना, एक कीड़ा अंदर कीड़ा थी, हीरो सभी लोग आईने के सामने बनना चाहते हैं, लोग आते थे मेरा इंटरव्यू करके चले जाते थे, लोग आते थे इंटरव्यू, जिसको मैं गुरु मानता हूँ वो भी मतलब नहीं बताया, ऑन कैमरा मैं आपको बता दूं वो भी हमको नहीं बताया कि बेटा यूट्यूब से पैसा आता है, सोशल मीडिया से पैसा आता है, वो तो मेरे लड़के का सौभाग्य है, लड़के ने बताया कि पापा जानते हैं आपका इंटरव्यू ये लोग क्यों लेते हैं, यूट्यूब से पैसा आता है, और सच्चाई था कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, ना मोबाइल था ना कुछ भी था, लेकिन हाँ जब हथियार मिला तो हम चैन से सोए भी नहीं, चालू कर दिए, और आज 2 साल हुआ लगभग, 2 साल में 2-2.5 लाख का परिवार है, अब बहुत अच्छा है, मुझे भी नहीं पता चला कि बहुत जल्द मैं वायरल हो जाऊंगा, अब तो लोग आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, मिलने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा इंटरव्यू करने का मकसद आपके जज्बे को लोगों तक और पहुंचाने का था, ताकि लोग आपसे सीखें। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं आपका इंटरव्यू करूं। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए बात है कि इंटरव्यू करना, वीडियो बनाना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं, वीडियो का रिजल्ट होना चाहिए, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, मुझे मैं जब वीडियो बनाने आया ना यूट्यूब पे तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मैंने सवाल किया था जब आपको पैसे मिल रहे थे। नहीं सुनिए, अब पैसा तो मिल रहा था, आपने सही कहा कि मुझे 20-25 हज़ार रुपए मिल रहे थे, सैलरी मिल रहा था, आराम से एकदम शौक से, गुरुद्वारे की हाँ फ्री,
नहाना खाना फ्री था, मेडिकल फ्री था, कपड़ा लाता फ्री था, क्या चाहिए? पेमेंट मेरा बचता ही था। चार से पांच साल में भी गुरुद्वारे में काम किया और पूरा फैमिली मेरा मतलब फ्री में चलता था। लेकिन मुझे ना कीड़ा था कि लोगों को दिखाना था कि बेटा मैं दिखाऊंगा कि होता क्या है, और दिखाया मुझे बस इतना कि लोग जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसको मैं खत्म कर देना चाहता था दिमाग से। मरना दो मिनट का काम है, अभी गंगा नदी में कूद जाएंगे मर जाएंगे, अभी बिल्ली का तार पकड़ लेंगे मर जाएंगे, जहर खा लेंगे मर जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी कर दिखाओ, असली मर्द वो है। तो माँ ने मुझे मर्द पैदा किया और मर्द के रूप में कहा कि बेटा जाओ। अभी आपकी माता जी हैं? हाँ माता जी हैं, पिताजी हैं, बीबी हैं, हमारे दो बच्चे हैं। पहली बीबी एक्सपायर कर गई जी, अब दूसरी भी शादी हुई, दोनों उससे भी एक लड़के हैं, पहली वाले से भी एक लड़का है। पढ़ते हैं बच्चे अभी? हाँ लड़के पढ़ते हैं, अब तो आप गए नहीं तो मिलता मिलाते, अब वीडियो में भी देखे ही होंगे, ऑल फैमिली के साथ मैं वीडियो भी बनाया हूँ, ऐसा नहीं है। रात में हमारी जब आपसे बात हुई तो आप 11 बजे 11:30 बजे करीब मेरी बात आपसे जी 11:30 बजे रात, और आप बता रहे थे कि मैं अभी फील्ड से आ रहा हूं। जी फील्ड से जस्ट अब देखिए अभी निकलूंगा तो फिर 11:30 बजे रात को पहुंचूंगा, अब आपके सामने हूँ, आज 10:30 बज रहा है, फिर 11:30 बजे 12 बजे रात को पहुंच। दिनचर्या काम करने की क्या होती है आपकी? दिनचर्या का कार्य देखिए कंटेंट पे होता है, पूछने का मतलब ये है कि जिसे लोग आराम करने का बहाना ढूंढते हैं। नहीं नहीं नहीं, और ईश्वर आपके साथ जो सिस्टम डाया है आप चाहे तो आराम कर भी सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आराम हराम है, किसी ने कहा है कि आराम हराम है, तो सोना तो वही है, मरने के बाद सो जाएंगे हमेशा के लिए, तो जब तक जिंदा है तब तक तो हम जगे रहे, जिंदा है तो जगे है, मरने के बाद तो सो ही जाएंगे। अपने बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं बच्चों के लिए पिता के तौर पे सब कोई करता है, लेकिन आप कुछ खास? नहीं खास मैं करूंगा अभी नहीं करूंगा, अभी तो हमारे बच्चे हैं जो हमको यहाँ तक लाए हैं, मेरे बच्चे ही लाए हैं, अब बच्चों के लिए मैं पहले आप पिता हैं जो आपके बच्चे यहाँ तक पहुंचे। हाँ सच्चाई है, मैं पहला पिता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचा है, अगर 2-2.5 लाख का परिवार बना है तो मेरे बच्चे से बना है, ये सौभाग्य है कि हमारा बच्चा, मैं बच्चे की तरह उसे नहीं पालता हूँ, एक दोस्त की तरह पालता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ, और बच्चे को जितना बच्चा समझ के पालने लगेंगे तो डर जाएगा, जब डर जाएगा तो आपसे कुछ क्यों वृद्धाश्रम खुल रहा है, क्योंकि बाप नहीं चाहता कि बेटा मेरे सामने बैठे और बेटा नहीं चाहता है कि बाप मेरे सामने बैठे, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ये चीज मैं नहीं होने दूंगा कभी भी। मेरा बेटा, हम लोग साथ में ही नहाते हैं, साथ में ही खाते हैं, साथ में ही चलते हैं, एक मित्र की तरह रहते हैं, वो गलत करता है तभी हमसे बताता है, हम गलत करते हैं तभी उससे बताते हैं, सही करते हैं तभी बताते हैं, एकदम आल खुल के, गलत काम करे तो सही काम करे तो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, दोस्त की तरह, ये नहीं कि उसे छिपाना है कि ये चीज है वो चीज, मैं जानता हूँ कि कल वही मेरा सब करेगा, आज भी करता है। हमने बहुत अक्सर देखा है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या इस तरह की जो पार्क की जगह होती हैं वहाँ पर विकलांग वर्ग के लोग होते हैं और कुछ लोग विकलांग बन करके पैसे कमाते हैं, भीख मांग करके खाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ तो आदत हो जाती है मतलब मांगने का, कि यही है, और जो विकलांग बन जाते हैं अब तो दुर्भाग्य यार, उससे पूछो जो विकलांग है कि कितना दर्द, उन्हीं की वजह से कुछ विकलांग जो उस काबिल भी है ना उनको नहीं मिल पाता है, उन्हीं की वजह से, तो विकलांग बन के और विकलांग जो मांगते हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, मेहनत करिए, विकलांग सिर्फ नाम से, यहां से विकलांग होता है, विकलांग तो आप भी हैं, काम नहीं कर रहे तो विकलांग है, जब बैठे हैं चुपचाप किसी काम करें तो विकलांग तो आप हैं, हम कहाँ हैं, हम तो चल रहे हैं, उनसे पूछे असली विकलांग तो है जो कुछ नहीं कर पा रहा है, हम तो अच्छा खासा कर रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत शौक से जी रहे हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है पहले नमक रोटी खाता था, दाल रोटी खा रहा हूँ, मेहनत करके खा रहा हूँ। जब आपके साथ ये हादसा हुआ था तो उसके बाद आपके भाई ने आपको बहुत संभाला था, ऐसा मुझे जानकारी है। देखिए कहानी अतीत मेरी बड़ी अजीब है सर, क्या बताऊँ, जब कहानी ना मतलब पीछे मैं जाता हूँ ना तो मेरा मतलब अब सब कुछ मैं मतलब माइंड से वो हो जाता है ना पता क्यों, और मैं पीछे झांकना नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में जो हुआ मतलब बताने योग्य क्या बताऊँ, जब बताता हूँ ना सारा भगवान ना करे कि जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाना, मैंने एक कहावत सुना था मेरे पे ही हो गया, हाथ कटा, हाथ कटने के बाद भाई मरा, भाई मरने के बाद किसी तरह अपने आप को संभाला, तब तक बीबी मर गई, बीबी के बाद भाई के बाद मेरे मम्मी का हार्ट का मरीज है, पिताजी शुगर के मरीज है, सबका दवा दर्पण सब कुछ अपने करना होता है। जितेंद्र हार कभी नहीं माना? ना जितेंद्र हार न मानेगा, न माना है न मानेगा, कभी नहीं, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा सर जी। तो हमारे साथ जितेंद्र थे और खुल के अपनी बातें रखी, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ इनसे सीखने की जरूरत है, सिर्फ विकलांगों को ही नहीं
जो विकलांग अपने आप को बना रखे हैं हाथ पैर सलामत रहते हुए भी, छोटी सी एक झूठ बोल करके कि मैं विकलांग हूँ और भीख मांग करके खाते हैं, उनके लिए जितेंद्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अगर इन्हें सिर्फ इनकी वीडियो को देखें तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके दोनों हाथ ना हो उसकी दुनिया नहीं है। कुछ दिनों के बाद ईश्वर ना करे कि ऐसी कंडीशन कभी आए, लेकिन जिस तरीके से ये अपने बेटे को पाल रहे हैं दोस्त बना करके, इनका भविष्य उज्ज्वल हो और मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ। आखिरी मैसेज अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कार्य को आप दिल से करिए, दिमाग से करिए। कौन क्या कहता है इसको भूल जाइए। सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। मैं जानता हूँ, जितेंद्र जानता है कि अगर शाम को चूल्हे में हमारे आग लगाना है तो जितेंद्र को लगाना है, न कि जो बोलता है, न कि जो कहता है उसको लगाना है। तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पूरे भारत की मैं अगर बात बता दूं तो लोग हाथ के बदले पैर खींचते हैं, इसलिए मेरा भारत पीछे है। जिस दिन हाथ खींचना चालू कर देना तो बहुत आगे भारत जाएगा। सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया जो पहले हुआ करता था, अंग्रेजों के जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, आज फिर से बनेगा। लेकिन हाँ, पांव की जगह यहाँ तो लोग तुरंत, मैं निकला तो लोग को जलन, अरे कैसे आगे बढ़ रहा है, अरे यार आप भी कुछ करो ना, आप भी कुछ करके आगे निकलो। अब हमसे भी लोग कंपटीशन करते हैं, हमसे भी कहते हैं अरे बड़ा आगे बढ़ रहा है, क्या उपाय लगाया जाए। कमियां दिखाने लगते हैं, गाली देने लगते हैं लोग, तो क्या करें। पत्रकारिता जगत के आखिरी सवाल मेरा, मैं भूल गया था, अभी आपने याद दिला दिया, जो आज की पत्रकारिता है उसे किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, आज की पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं रह गई है, सीधी सी बात। और दूसरी चीज, लोग पत्रकारिता भी नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं, हम चाहे कोई हो, पत्रकारिता चिल्ला के नहीं की जाती है, पत्रकारिता गाली दे के नहीं की जाती है। अगर सच में सवाल मुस्कुरा के भी पूछे जा सकते हैं। नहीं नहीं, पत्रकार का मैं बता दिया ना, हालांकि देखिए 80% अगर देखा जाए, जितने माइक लेके चाहिए हम हो चाहे कोई, मैं अपने आप को परे नहीं कर रहा हूँ, 80% 90% लगभग मान के चली, जितने लोग हैं, पहले तो उनके पास ना सर्टिफिकेट है किसी चीज का, ना जल इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, ना मास कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट है। एक माइक उठा लिए, मोबाइल उठा लिए, कैमरा उठा लिए, चल दिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो, हमारे पास है, ठीक है, ये तो सौभाग्य कि आपके पास है, नहीं तो आप भी जानते हैं, मैं बताया ना हूं, जानता हूं, मैं सिर्फ शेयर किया कि मेरे पास है। नहीं, ठीक है, आपके पास है, लेकिन आप अगर सर्वे हो जाए तो कितने लोग सही हो जाए, सही बात, इसीलिए मैं पूछा हूं। नहीं, जब सच्चाई है तो मैं आपको बता दिया ना, तो पत्रकारिता ठीक है कि आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, कि आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि बदनाम भी कर रहे हैं आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोग ने मेहनत किया होगा उसको पाने के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए साला दो तीन मतलब समय गुजारना होता है, तो आपके मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। मैं कुछ मेहनत नहीं किया आ गया, और आपसे आ गया, आपसे ज्यादा व्यू है मेरा, आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरा, आपसे ज्यादा मैं कमाता हूँ। आप प्रोफेशनल है, मैं अनप्रोफेशनल हूँ, बस यही है। आपका जो कार्य प्रोफेशनल है, मैं अनप्रोफेशनल हूँ, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया जब से आया, सौभाग्य है, मोदी जी कहे कि 200 रोजगार देंगे, वो दिए चाहे ना दिए, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको रोजगार दिया। मैं तो सलाम करता हूँ कि आज सोशल मीडिया का देन है कि आज मैं 10 रुपया कमा पा रहा हूँ, तो शायद मैं नहीं कमा पाता। खुल के अपनी बातें रखे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में, इनके लिए बताइएगा, चैनल हमारे लिए कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन इनके लिए जरूर बताइएगा, इनके विचारों से, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और इनसे क्या सीखते हैं, और इनके अंदर कौन सी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, इन सारी बातों पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे रूपेश थे और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, और समय देने के लिए आपका भी बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।